सो वेलकम गाइस। आज हम सभी लोग जो इस सेशन को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है जस्ट बिकॉज कि आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप मिल सके कि हमें किस तरीके से इनरोल्ड एजेंट की इस एग्जाम को पास करना है और आपके करियर के लिए इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम किस तरीके से वैल्यूबल हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली 100+ स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं। हम सभी इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे, जो कि आप एक एक करके रेज कर सकते हैं। लाइक सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा बिग फोर में जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे एक अलुमनाइज भी जुड़ रहे हैं, वासु, जो कि ऑलरेडी US टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, अभी बैंगलोर में इनका प्लेसमेंट हुआ है। सो वो भी आपको एज ए मेंटोर गाइड करेंगे कि आपको अपनी इनरोल्ड एजेंट की जर्नी को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, ही इज जस्ट अ बीकॉम स्टूडेंट, उन्होंने इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट किया। और आज आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आज जो वासु जो है 1120 के ऊपर काम कर रहे हैं। 1120 बेसिकली कॉरपोरेट के इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके करियर के लिए क्या बेटर हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं नाउ अब मैं वासु को अनम्यूट करूंगा। सो एक सेकेंड वासु, मैंने आपको अनम्यूट किया, कैन यू हियर मी? वासु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस यस, नाउ यू आर प्रॉपरली ऑडिबल। तो वासु, बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चंस होते हैं। सो वासु, अगर इफ यू कैन मतलब अपना वीडियो भी ऑन कर लेते तो थोड़ा सा स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो रिकोगनाइज यू। सो वासु, सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि सर इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इनरोल्ड एजेंट के तीनों पेपर को पास किया और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो अपने जी सर, एडवाइस हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट को दीजिए। जी सर, सर पहले तो थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सर जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है और मैं अभी भी याद करता हूँ वो टाइम जब मैं पढ़ रहा था वो 1 साल की ड्यूरेशन। एंड मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट सर कि मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड आई केम अक्रॉस योर ये वीडियो एंड बहुत सही डिसीजन लिया सर। अब फील होता है क्योंकि बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुई सर लाइफ क्योंकि ये पास हुआ विद इन 1 month आई गॉट प्लेस्ड इन बैंगलोर एंड दैट टू इन 1120। जो मैं जैसे आप कहते थे अपनी वीडियोस में भी 1040, 1120 और 1065, अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट ग्रैब इट एंड गो फॉर इट। तो और सर अभी बीच में मैं थोड़ा जी सा सर इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, वासु ने एक बहुत अच्छी बात करी। वासु को मैंने एडवाइस की थी कि अगर आपको चॉइस मिले आपको आपके करियर में काम करने के लिए, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कंपनीज के, कॉरपोरेशन के रिटर्न पे काम करने की कोशिश करें। मतलब मैं आप सभी को एज ए यंग स्टूडेंट्स, एज ए इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशनल्स, अगर आपको कॉरपोरेशन में काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी करियर में है। वासु, अब थोड़ा सा बताइए कि कॉरपोरेशन में ही क्यों ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा रेमुनरेशन कंपनीज में या पार्टनरशिप में क्यों मिलते हैं, इंडिविजुअल में क्यों नहीं, और कंपनी का काम किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा आप और बताएं। राइट सर। सर सबसे बड़ी चीज तो है कि कंपनी के कंप्लाइंसेस और पार्टनरशिप के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि अगर अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ अगर काफी सारी सब्सिडरीज है एक US कंपनी की और एक एंटिटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको एनालाइज करना ही इतना मुश्किल है और उसके लिए उनको एक प्रोफेशनल चाहिए जो ये चीजें पढ़ चुका है, ये चीजें सीख चुका है और इसमें काम कर सकता है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ सर, अगर कंपेयर करें पार्टनरशिप से या कॉरपोरेशन से तो वो थोड़ा इजी है क्योंकि हम लोग भी अपनी ITR फाइल करते हैं तो इट्स नॉट दैट टफ राइट। यू जस्ट हैव टू टेक डिडक्शंस इनकम एंड यू आर रेडी फॉर इट टू पे योर टैक्सेस। बट थोड़ा सा इंटरनेट वासु का, थोड़ा सा नॉट वासु, दैट सर यू यस नीड क्लैरिटी ना कैसे आई। हेलो सर आई एम ऑडिबल नाउ। यस यस, ऑडिबल। तो सर मैं यही बोल रहा हूँ कि बैंगलोर में आके तो मैंने यही सीखा कि कंपनी के कंप्लाइंसेस काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं
जो मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक फॉर्म नहीं जाता सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 11:20, इट्स अबाउट 11 बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट. 11:20 एक्ट ले जाता है, फिर आपका 3115 इफ यू हैव टू चेंज योर टैक्स ईयर, ये भी हम सब बीए में पढ़ते हैं. तो अक्रूअल टू कैश इफ यू हैव टू गो, एंड 5471, 5472 इफ यू हैव एनी फॉरेन सब्सिडाइजेशन. सो ये सब 11:20 का ही पार्ट है. और जब आप काम करोगे, आप ये करके निकलोगे आगे, तो आप सब समझोगे कि ये मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ. और ये एज एन ईए ये चीजें आपको समझ आती है सर, जब आप जॉब करने जाते हैं. एक नॉर्मल बंदा बीकॉम करके ही कांट ग्रैप दिस थिंग्स सर, नॉट एट ऑल. देखिए, वासु ने डेफिनेटली आपको एक अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपको कंपनीज में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती। वासु, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई बार क्वेश्चन होता है कि क्या इनरोल्ड एजेंट को करने से जॉब इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हर एक स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये होता है कि दिस इज द कोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया का कोर्स तो है नहीं। तो क्या जी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली या आपको बहुत दिक्कतें आने आने लगी थी जॉब्स ढूंढने में? ये आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना है जी स्टूडेंट्स को। यस सर, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा. मैं सर ईए करने के बाद विद इन 1 month, 1 महीना लगा था सर. जॉब हंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स नॉट अबाउट कि आपने ईए कर लिया और आपको खुद आपके पास लोग आ जाएंगे कि ये लो हमसे ऑफर ले लो. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू यू नो आपको निकलना पड़ेगा उस चीज से कि हाँ मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ. एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपको, आपको दिख जूम मीटिंग मिल गई. मीटिंग में हेलो, अभी क्लास चल रही है मेरी। हाँ जी, वो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। यस, तो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे थे। यस वासु, जी सर. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस करियर में आगे जाके काम करना है, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि ठीक है वी हैव डन द सर्टिफिकेशन. यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ. के बाद आपको अच्छा प्रोफाइल बनाना है लिंक्डइन पे, आपको अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, जो इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, और अपने आप को इतना तैयार करना है कि कोई इंटरव्यूअर मना ही नहीं कर पाए आपको, इतना स्किल लेवल अपना हाई करना है. तो जॉब सर भरमार है, बहुत जॉब है, जॉब की कोई कमी नहीं. अभी भी लिंक्डइन पे देखोगे सर, काम आउटसोर्स होए जा रहा है, हर शहर में एक नई सीपीए फर्म खुल रही है. यस। अब स्पेसिफिकली वासु, थोड़े से क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स के भी लेंगे। अब जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि अभी तो आप जस्ट फ्रेशर हैं, आपने अपने कोलिग्स को जी देखा होगा, सीनियर प्रोफाइल पे देखा होगा, कहीं ना कहीं एक जी सीनियर प्रोफाइल पर किस लेवल तक एक कैंडिडेट पहुंच सकता है वंस ही विल कंप्लीट द ईए? बिकॉज आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कितना स्टाफ आपकी कंपनी में है, क्या उनकी प्रोफाइल होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। सर, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इसमें. अगर आप सही से काम करते हैं और आपके पास ईए सर्टिफिकेशन है, तो यू कैन बी द मैनेजर ऑफ योर कंपनी इन दिस डोमेन इजिली. 4 to 5 years एंड यू कैन बी मैनेजर. और देखिए, सर जी बहुत सारे कैंडिडेट तो सीधे स्टार्टिंग से हमेशा ये पूछना चाहते हैं कि सर, अगर हमें 4 to 5 ईयर का यूएस टैक्सेशन में एक्सपीरियंस हो गया, हाउ मच पैकेज जी वी कैन एक्सपेक्ट? मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बिकॉज आई हैव मोर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, बट मैं डायरेक्ट कैंडिडेट से जो कि यूएस टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, वो आप थोड़ा जी सा अगर इसके बारे में कोशिश करें बताने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट के क्वेश्चंस होते हैं ये। जी सर, जो 2 साल तक काम कर रहे हैं वो उनका भी, हमारी कंपनी हायरिंग कर रही थी सर पीछे, विद इन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे वर ऑफरिंग अराउंड 12 to 16 LPA. तो जैसे जैसे आप रैपिडली आगे बढ़ते हैं, अपनी आपकी ग्रोथ बहुत हाईएस्ट लेवल पे होती है. ये मेरे को क्योंकि समझ आ रहा है अभी एज अ फ्रेशर, आई हैव कम्प्लीटेड जस्ट 7 months, सो पर मेरे को दिख रही है चीज़ें अपने आंखों के सामने होते हुए. सर मैं यही बोलूंगा कि मैं बस ये सोचता हूँ कि कब जल्दी से मैं भी ग्रो हो जाऊँ और उस लेवल पे चले जाऊँ, बट अभी सीखने को काफी मिल रहा है सर. इट्स जस्ट अ लर्निंग एज, बट आई एम वेरी ग्लैड, वेरी फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट आई एम वर्किंग एंड मैं एक नए शहर आया हूँ, नई चीजें सीख रहा हूँ, एंड इट्स गोइंग गुड सर.
अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे स्टूडेंट्स जब लाइव क्लास में आते हैं तो कुछ बच्चे एकेडमिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? मतलब आपने तो पूरी इस जर्नी को पास किया, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर तो लगा ही होगा। वैसे मैं आपके साथ में था, हमारी मेंटोरशिप बैच में होती, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई ऑल द स्टूडेंट्स। बट एक कैंडिडेट जिसने इस एग्जाम को अभी रिसेंटली पास किया हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस कितना डिफिकल्ट लेवल है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें। सर डिफिकल्ट नहीं है। अब मेरे को इतना पता है कि सर मैं बीकॉम में पढ़ता नहीं था अच्छे से, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ एमसीक्यू ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं। एप्लीकेशन है, लॉ को समझो, लॉ मेकर को पता करो कि लॉ मेकर क्या कहने जा रहा है, प्रोविजन के पीछे का इंटेंशन क्या है, एंड बहुत ईजी हो जाएगा कोर्स अगर आप इस परस्पेक्टिव से ले। और सर ये चीज़ आपने ही मुझे बताई थी, मुझे याद है कि बस इतना सोच के चलो कि लॉ मेकर कहना क्या चाह रहा है, क्यों ये लॉ उसने बनाया है, क्यों ये प्रोविजन वहाँ पे, क्यों ये सेक्शन वहाँ पे, क्यों ये आईएससी कोड वहाँ पे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी सर। इट्स एन ईजी कोर्स, बट एप्लीकेशन है वहाँ पे, आपको टाइम लगेगा, चीज़ें टाइम लेंगी, पर आप आगे बढ़ोगे। देखिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशन में डेफिनेटली मिलेंगी। अभी वासु आपका हाइब्रिड है या आप ऑन लोकेशन जाते हो? सर मेरा स्टूडेंट हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, तो देखिए वासु खुद बता रहे हैं कि उनका हाइब्रिड है, तो आप कितने दिन ऑफिस में जाते हैं? सर 3 दिन, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। सो 3 डेज उनका वॉकिंग है और 2 डेज वो मतलब वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं जस्ट प्योरली वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने क्विक बुक के सॉफ्टवेयर को भी सीखा, साथ में इनरोल एजेंट को किया, तो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल भी इसमें आपको डेफिनेटली मिल सकती है। और इवन आप इंडिया में बैठकर यूएस बेस्ड कंपनीज की काम भी कर सकते हैं। देखिए यूएस में बहुत सारे इंडियंस हैं, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में स्टेक्स हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं होटल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में बात करूं, तो आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इनरोल्ड एजेंट प्लस क्विक बुक को सीखने के बाद मिल सकती है। इसमें तो कोई डाउट ना मुझे है ना किसी को है, और इंडिया में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अब बच्चों के मैं कुछ क्वेश्चंस को डेफिनेटली यहां पर लेना चाहूंगा। देखिए पैकेज एक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, किसी का पैकेज 5 लाख होगा, किसी का 7 लाख भी होगा। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट है अंकित भाटिया, वो आज वो नहीं आए हैं, वो आज पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, उनका पैकेज, आप देखिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पैकेज बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एचआर के नॉर्म्स होते हैं कि आप अपनी जो सैलरी है वो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं फिर भी आपको ऑन एन एवरेज बता दूं कि सम टाइम इसका पैकेज 5 लाख से लेकर 11 लाख तक भी जाता है, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें 100% है। तो पैकेज को क्योंकि हम किसी कैंडिडेट का नाम लेकर उनकी एचआर पॉलिसीज के जो कोड जो होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको यहां पर ब्रेक नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली आपसे प्राइवेटली अगर किसी को पूछना हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको प्राइवेटली बता दूंगा, क्योंकि ये सभी लोगों के सामने वीडियोज हैं। तो सर आगे अगर हम बात करें, सर विदाउट हाँ, और किसी के आप अपने क्वेश्चंस को डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ये सेशन जो ऑर्गेनाइज कराया गया है ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के उनके मेंटरिंग सेशन से रिलेटेड, और आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए वो सारे, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपको किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके आज पूछ सकते हैं। आज आप सर एग्जाम सेंटर मुंबई में अवेलेबल है क्या? देखिए ये के जो एग्जाम सेंटर है वो अभी 2 ही जगह अवेलेबल है, एक गुड़गांव आयरिश टावर और हैदराबाद का मुझे एड्रेस नहीं पता। अभी थोड़े दिन पहले मैं आयरिश टावर खुद गया था, इस बात सर को बता, बैंगलोर में भी फॉर बेंगलोर योर में भी, इंटरव्यू से। बेंगलोर में जी, भी, बैंगलोर बेंगलोर है, हैदराबाद है और आपका गुड़गांव में, तो मेजरली यहां पर 3 सेंटर्स हैं। आयरिश टावर में जी। मैं गया था, मैंने वहां से पूछा, तो 15 अगस्त के बाद सेंटर मोस्ट प्रोबेबली इसके ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ज्योति का क्वेश्चन है, सर आई वॉन्ट टू डू जॉब पार्ट टाइम टिल आई पास द एग्जाम, इज इट द पॉसिबल? देखिए अगर आप पार्ट 1 भी पास कर लेते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब वासु आप मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, विच पार्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू यू? सर डेफिनेटली पार्ट 2, ये स्टूडेंट्स में भी रिसर्च चली होगी मेरी श्योर।
पर सर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे पार्ट टू पढ़ने में मज़ा बहुत आया था एज कम्पेयर टू अदर टू पार्ट, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन है और बस लेंथी है, ये है कि आपको कवर बहुत ज़्यादा सिलेबस करना पड़ेगा. बट पार्ट टू फॉर मी वॉज इट वॉज लाइक अ मोर ऑफ अ लर्निंग, तो मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ लिया. बट अगर मैं लेंथ के हिसाब से कंपेयर करूँ तो बहुत टाइम लगा था सर कवर करने में सिलेबस. बाकी सर पार्ट थ्री आपको अगर याद होगा, जब मेरा पार्ट थ्री का एग्जाम था मैंने आपसे बात करी थी, तो कुछ कोई और इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे क्लियर. जी तो इट्स अबाउट, कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने जो इमेजिन नहीं किया हो, बट ऐसे पार्ट थ्री लेंथ वाइज में काफी छोटा है, आप जल्दी क्लियर कर लेंगे. बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि उसको निग्लेक्ट मत करना, ये मत सोचना कि छोटा है तो हम इसको कर लेंगे. टेक एवरी पार्ट सीरियसली और आराम से हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके सर, अब एक स्टूडेंट है सोनाली खन्ना सर, वन एक सेकंड, एक एक करके आप क्वेरी लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी लिख देंगे तो समटाइम पढ़ना मुश्किल हो जाता है सर। वन मोर क्वेरी, प्रैक्टिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, डोंट स्कोर गुड फर्स्ट टाइम व्हाट एवर आई कैन। हाँ मैं इनका क्वेश्चन समझ गया कि अगर वासु एक स्टूडेंट है सोनाली, उनका कहना है कि सर मेरा पहली बार में स्कोर अच्छा नहीं आता, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पूरी परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करते हैं, पहली बार में आपका क्या स्कोर आता था, फिर मैं भी इसके ऊपर एडवाइस दूंगा। जैसे लेट से आपने स्टार्ट किया ग्रॉस इनकम से, या आप रिटर्न फाइलिंग जी से अगर हम बात करें, अगर पहली बार में किसी कैंडिडेट का स्कोर अच्छा नहीं आता है तो उसे क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, और कितना स्कोर आपका आना चाहिए जिससे आप ये अश्योर कर सके कि आप एग्जाम डे रेडी हैं। सर मैं तो बोलूंगा अच्छी बात है अगर कम आ रहा है स्टार्टिंग में क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएंगे कि आप ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे को आता है सब, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज है जितना आप गलत करोगे और आपके एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे आपको और डिटेल में चीज़ें समझ आएंगी. और मेरा तो सर स्टार्टिंग में 50-60 तक जाता था आई रिमेम्बर, फिर धीरे धीरे करके आई मूव टुवर्ड्स 80, फिर जब मैं मॉक देने था तो तब सर 80-90 आ रहा था, तो मैंने मॉक अब दे दिया आपने था. मुझे मॉक से याद दिलाया, हमारे मॉक टेस्ट जो आपने दोनों दिए, तीनों पार्ट्स में दो दो मॉक टेस्ट जो हम इंटरनली, मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि एक्चुअल एग्जाम से पहले हम हर इनरोल्ड एजेंट स्टूडेंट से मैं पर्सनली बात करता हूं। मैं किसी भी स्टूडेंट को उसकी मर्जी से एग्जाम देने नहीं देता हूं। मैं आप सभी को भी यहीं पर एक बात बोल रहा हूं कि आपके पास मेरा ईमेल आईडी होगा, आप ईमेल आईडी पर मुझसे टाइम बुक कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे ना, उसके पहले मैं आपके दो मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा। अगर आप उस मॉक टेस्ट को पास करेंगे तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप एक एग्जाम दीजिए। वासु आप बताइए, आपने मॉक टेस्ट को पास किया था या नहीं किया, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट को देना। सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सबसे बड़ी चीज़ है सर बड़ा कॉन्फिडेंस बड़े पीक लेवल पे ले जाता है आपका, अगर आपने मॉक में अच्छा किया. अगर नहीं भी किया तो ठीक है क्योंकि आपको एक और चांस मिलता है करने का. और कभी कभी तो सर अगर मॉक में आपका कम स्कोर आ रहा है तो फिर भी एग्जाम पास हो जाता है, तो इट्स अबाउट आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना, आपको मोटिवेट, आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना. बट सर मॉक मेरे लिए तो सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मॉक टेस्ट ने, क्योंकि मेरे को तो सर अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया, मैं आपको सच बोल लूंगा. और मैं जब एग्जाम देने गया और मेरे को वो चीज़ बड़ी एग्जाम देते हुए हेल्प करी सर, क्योंकि मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस में अटका था, बट वहाँ पे सर यही है कि मैंने थोड़ा लॉ को सोचा, वही इंटेंशन लॉ मेकर का सोचा, और वो कॉन्फिडेंस और वो जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके सर एग्जाम निकल गया. सो मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं. और जिस तरह से सर मॉक्स डिजाइन किए हैं केपीएस में, सेम ही है सर जैसा एग्जाम में दिखेगा आपको, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बस कुछ थोड़े ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर गिविंग मॉक अब टेस्ट. कैंडिडेट्स का कई बार कहना होता है कि सर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं या छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो भी एग्जाम देना जा रहे हैं वो एक एग्जाम में ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग जब उससे पढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि कई बार बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के कैलकुलेशन में, या कोई बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्या बहुत डिफिकल्ट होता है या आसान होता है? जो हमने सॉफ्टवेयर आपको दिया, जो क्वेश्चन का लेवल है वही लेवल है या उससे हाई लेवल है? सर सॉफ्टवेयर के थोड़े ज़्यादा टफ थे सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि
वहां पे वो बस आपको वो ये जानना चाहते हैं कि आपको लॉ को कितना समझा है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा वो कैलकुलेशन कम ही होगी सर, छोटी कैलकुलेशन होगी, 2-3 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगी, बट आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व मत करना है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा तो इसका यही होगा, वहां पे आपको आपको पेपर दिया होगा, पेंसिल दी होगी, कैलकुलेटर दिया होगा, यूज दैट एंड देन गो फॉर दैट न्यूमेरिकल तो आपको क्वेश्चन। सारे जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स है, लाइक आपको अगर कैलकुलेटर चाहिए, पेन कॉपी, वो सब आपको वहां पर मिलेगा। एक बात मैं अपनी तरफ से कैंडिडेट को एडवाइस देना चाहूंगा, बिकॉज मैं बहुत सारे ई स्टूडेंट को टीच किया हूं और ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट 98% और जो भी बच्चा एग्जाम देने जाता है उससे एग्जाम डे पर भी बात करता हूँ और पास होने के बाद भी बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इमीजिएटली आता है। जैसे ही आपने पेपर दिया, आपने सबमिट किया, सर्वे रिपोर्ट सबमिट की, आपके सामने ग्रीन मार्कशीट आ जाती है। मेरी एक एडवाइस आप सभी को है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं इस बात को ध्यान रखना, 50 मार्क्स, 50 50 टेस्टलेट, 50 क्वेश्चन का पहला टेस्टलेट और 50 क्वेश्चन का सेकंड टेस्टलेट। आपको टाइम पूरा यूज करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि 3.5 घंटे का पेपर है, आप उसको 2 घंटे में सॉल्व करके 1.5 घंटा बचाकर फेल हो जाओ। अगर वो भी कोई भी स्टूडेंट फेल होता तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि उसने बहुत जल्दबाजी की है। आपको चारों ऑप्शन को प्रॉपर एनालाइज करना, और पहले टेस्ट लेट में अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन को आप 1 आवर 30 मिनट्स में कीजिए, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर सेकेंड जो टेस्ट लेट होता है 50 मार्क्स का उसको स्टार्ट कीजिए। तो ओवरऑल 3 आवर्स में आप क्या कर पाएंगे, 3 आवर और 3.5 आवर में सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे और डेफिनेटली आप पास करेंगे। तो वासु, आप थोड़ा सा बताइए, आपने समय कम लिया, ज्यादा लिया, लाइव एक्सपीरियंस? नहीं सर, मैंने तो पूरा समय लिया, मैंने पूरा टाइम को यूटिलाइज किया है सर। कुछ बच्चे जल्दी निकल रहे थे, वो देख के आपको हाइपर नहीं होना है कि इसने जल्दी कर दिया और ये जल्दी निकल गया, फ्यूरियस नहीं होना है आपको, पूरा टाइम लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, और हमेशा दो ऐसे ऑप्शन होंगे, ऐसे MCQs होंगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं सर। तो मैं तो पूरा टाइम लेता मैंने तो पूरा टाइम लिया था, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, ब्रेक भी बीच में एक ब्रेक मिलती है, आप बैठ के आराम से पानी वानी, अगर कोई लंच लाए लंच वगैरह खाइए और आराम से एग्जाम दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। अच्छा, इस वेबिनार में कितने स्टूडेंट हैं जो यूएस से हैं? बिकॉज मेनी स्टूडेंट फ्रॉम द हमसे यूएस, सारे बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास में हैं, तो दे कैन रेज देयर हैंड। और हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द बिग फोर ऑल्सो? अगर कोई बिग फोर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली रचित यूएसए से हैं, और आई गेस नीलम भी यूएसए से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिका से हमसे पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूएसए में हैं, उनके लिए मैं एक आपको और पर्सनल एडवाइस दूंगा कि देखिए, आपको सबसे पहले पार्ट 1 के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमारा अभी पार्ट 1 चल रहा है 1040। और आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्कुल अपग्रेड कर दीजिए, उसमें आप ई ए परसुइंग डेफिनेटली मेंशन कर दीजिए, आपको एक इसका बेनिफिट मिलेगा। और पार्ट 1 जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, यूएसए में आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो जाएंगी। साथ में आप हमारी क्विक बुक की प्लस वो टर्बोटेक्स की ट्रेनिंग, अगर आप वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं कोर्स के साथ में, आप उसको देखिए। और पार्ट 1 जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, आपको यूएसए में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप मेरी एक कैंडिडेट हैं जो आज यूएस में काम करती हैं, आज उनका पैकेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यूएस का है तो मैं बता सकता हूं, उनका नाम नहीं डिक्लेयर करूंगा। यूएस में एक इनरोल्ड एजेंट का जो पैकेज होता है एज ए फ्रेशर, मैं बोलने जा रहा हूं, $60,000 से लेकर $85,000 की रेंज में होता है। और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया 4 साल 5 साल, तो मोर देन 1,20,000 तक के पैकेजेस आपको यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट में देखने को मिल जाएंगे। अब कई स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि सर सीपीए इज ए बिगर प्रोफेशन देन ईए, ये भी एक कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूं कि दोनों ही प्रोफेशन की वैल्यू है। ईए जहां पर यूएस टैक्सेशन का स्पेशलाइजेशन है, सीपीए में थोड़ी वर्सेटैलिटी है। सीपीए में जहां आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने को मिलता है, यूएस ऑडिट पढ़ने को मिलता है, यूएस टैक्सेशन। तो अगर हम टैक्सेशन प्रोफाइल को अकेले बात करें, इफ सपोज दैट समवन इज हायरिंग फॉर अ टैक्सेशन प्रोफाइल, सो वो ईए और यूएस सीपीए दोनों को इक्वल वेटेज देंगे। तो अगर आपकी प्रोफाइल टैक्सेशन की है तो डेफिनेटली ईए कहीं से भी यूएस सीपीए से कम नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से डेफिनेटली कह सकता हूं। तो अब कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस भी लूंगा मैं।
सर क्या अकेले ये कर अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस लाइट बीच में जा रही है, मैं एक्चुअली आज ऑफिस में बैठा हूं तो जी, तो अगर किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। रचित खन्ना ने हैंड रेस करने, रचित यू वांट टू डू सर, टू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी और वासु, तो मैं डेफिनेटली आपको अनम्यूट करूं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है रचित, आप अपने क्वेश्चंस को डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हेलो, यस सर रचित, यस यू आर यस, ऑडिबल, गुड इवनिंग सर गुड एंड इवनिंग, गुड ऑल इवनिंग सर। ऑफ थैंक यू सो मच सर फॉर नाइस गाइडेंस एंड नाइस टीचिंग. एक्चुअली मैंने आपका भी यूट्यूब से ही देखा था जी चैनल, तो तभी मैं इंस्पायर हुआ था आपकी कोचिंग से और आपके समझाने के तरीके से. बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड करते हैं. एक्चुअली मैं अभी पार्ट 3 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो यस मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैंने 5th यूनिट तक कंप्लीट कर लिया है और मेरा ओके टारगेट ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अगस्त और सितंबर में मेरे को पार्ट 3 क्लियर करना है. तो ओके मेरे सर बहुत थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मैं पीछे का अगर कवर कर लेता हूँ मेरे को कॉन्सेप्ट सारे समझ में आते हैं, और बट मैं जब एप्लीकेशन करने बैठता हूँ MCQs में मेरा स्टार्टिंग में यूनिट्स में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, सेवेंटी कितना टू स्कोर, सेवेंटी कितना फाइव स्कोर आता परसेंट था आपका पार्ट 3 में? स्टार्टिंग की यूनिट्स में मेरा आया था 70 टू 75%. ओके मेन मेन एग्जाम में, सॉरी प्रैक्टिस एग्जाम में. और जब मैं मेन एग्जाम में जाता था तो वहाँ थोड़ा मेरा रिजल्ट रिड्यूस हो जाता था, मे बी 50 टू 60%. अब देखिए रचित, मैं थोड़ा सा आपको एक एडवाइस ये करूंगा कि स्टार्टिंग का स्कोर कभी भी मैटर नहीं करता, लेकिन एग्जाम में अगर पार्ट 3 को स्पेसिफिक बात करें तो ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड ज्यादा है। मतलब अगर अब हम पार्ट 1 को कंपेयर करें और पार्ट 2 को कंपेयर करें तो वहां पे न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिकल है, लेकिन यहां पर बेसिकली आप देखेंगे पेनल्टीज बहुत ज्यादा आती हैं। जो एक ई है उसके कोड ऑफ कंप्लायंसेस आ जाते हैं कि उसको, जैसे अगर हम फॉर्म जो हम सर्कुलर 230 के बारे में बात करें, तो अभी आप उसको एक और वन टाइम रीडिंग कीजिए, सेकेंड टाइम तब जब आप कर लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक लिस्ट ऑफ फॉर्म्स आपको थोड़ा सा पेनल्टीज के ऊपर और फॉर्म्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। बाकी थोड़ा वासु आप मुझे बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार भूल रहा हो, जैसे आपके साथ में भी ये इशू आता होगा, कितना याद रखना पड़ता है, कितना मगअप करना पड़ेगा इस एग्जाम को पास करने के लिए, स्पेसिफिकली पार्ट 3 के लिए? सर पार्ट 3 में थोड़ा मॉकअप तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सर ये स्ट्रैटेजी लगाई थी पार्ट 3 के लिए. मैंने फ्लो चार्ट्स बना लिए थे और मैंने अपने, मेरे को याद है, अपने दरवाजे पे चिपका लिए थे पेनल्टीज के, फॉर्म्स के, स्पेशली इनके मैंने फ्लो चार्ट्स बना लिए थे और अपने दरवाजे पे लगा लिए थे. रोज सुबह उठ के देखता था जब पार्ट 3 पढ़ रहा था. बाकी सर मैं जो भी आप लेक्चर में बोलते थे उसको हिंदी में ही लिख लेता था कि मेरे को याद रहे, अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में याद रहे, तो उससे सेल्फ मुझे मेड थोड़ी नोट्स, हेल्प मतलब हुई. कहीं ना और कहीं आपको हेल्प करेंगे सेल्फ मेड नोट्स। जी जी यस जी सर, सर वो जरूर मैं करेंगे. नोट्स सॉरी मैंने सो रचित, मैं सर. एक देखो रचित, एक बात मैं आपको कहूंगा कि जैसे ही आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा ना, आप मुझे मेल करना, मैं आपकी पूरी सॉफ्टवेयर में एक बार पूरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करूंगा, और आप हमारी 2 मॉक टेस्ट देना, उसके बाद आप बुक करना, क्योंकि आप तो यूएस में रहते हैं तो सेंटर का कोई इशू नहीं है आपका, तो और डेली सेंटर अवेलेबल है, तो आप जैसे ही यस सर, आपका कंप्लीट हो जाए, आई गेस आप सितंबर में जैसे प्लान कर रहे हैं तो अगस्त तक आप आई गेस फिनिश कर लेंगे, 7 यूनिट्स हैं पार्ट 3 में तो ओनली, तो जैसे ही वो यूनिट्स फिनिश हो जाएंगी आप मुझे एक बार मेल करना, मैं आपके साथ एक जूम मीटिंग करूंगा 1 to 1, उसमें आपकी सॉफ्टवेयर में पूरी परफॉर्मेंस को देखेंगे और 2 मॉक टेस्ट तो आपके ऑर्गेनाइज कराएंगे। उस मॉक टेस्ट के बाद वी कैन डिसाइड कि आपको अभी एग्जाम देना चाहिए या यू नीड समथिंग और रिविजन एंड ऑल, वो मैं डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करूंगा। ओके. बाकी मैंने जो आप जो बताते हैं वीडियो में भी, क्लास में भी बीच में, कि जैसे आप फॉर्म की और पेनल्टी की लिस्ट बना लो, तो भी मैंने लास्ट में जैसे मेरी यूनिट्स कंप्लीट हुई उसमें जो भी फॉर्म से और जो फॉर्म जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारी लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर ली है, वो भी प्रिपेयर कर ली, साइड बाय साइड पेनल्टी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ. बट जैसे अभी मैं कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो माइंड में कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो जाता है, आ जाता है, लेकिन जैसे अभी मैं 5 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ ऐसे रैंडमली नहीं बता सकता कि कौन सा टॉपिक मैंने किस चक्कर में पढ़ा था, क्योंकि लेंथ बहुत है कोर्स की. वैसे यस मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और पेनल्टी और उसकी फॉर्म की मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, वो उसको रीड आउट भी करता रहता हूँ मैं भी साइड बाय अभी साइड. अभी हम लोग एक नया ये फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे एलएमएस में, आपको ना एक मिनी एग्जाम का कॉन्सेप्ट दिखेगा आफ्टर 15th ऑफ अगस्त, वो उस एलएमएस में अपडेट हो जाएगा। तो मिनी एग्जाम का पर्पस क्या है कि जैसे हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने छाट कर एक मिनी एग्जाम बनानी है,
जिससे स्टूडेंट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस एक बार करके देखे, फिर 50 क्वेश्चन एक बार करके देखे सारे चैप्टर से। तो वो फैसिलिटीज आपको ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर मतलब 15 अगस्त के बाद वो फिनिश हो जाएगी। तो उस मिनी जब मॉक टेस्ट को आप देंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली हम आपके साथ में हैं। क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे आप कुछ कहना चाहें, लेक्चर वगैरह आपको प्रॉपर समझ में आते हैं? यस सर, लेक्चर आपके सारे बहुत अच्छे हैं। मैंने पार्ट वन भी आपसे अभी मैं लाइव ले रहा हूँ, यस, और पार्ट थ्री में मेन कंसंट्रेट मेरा भी पार्ट थ्री। पार्ट 3 को आप पहले क्लियर करना चाहते हैं, आई गेस। ओके, चलिए अब मैं किसी और स्टूडेंट से भी मौका दूंगा। शायद इनका आवाज थोड़ा नेट वो हो गया है। हरदी को मैं अनम्यूट करूंगा, आपने हैंड रेस किया है। हार्दिक खत्री, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो सर, हेलो हरदी, यस यस जी बोलिए जी। थोड़ा सा अपना अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, किस आवाज नहीं आ रही? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं किसी दूसरे कैंडिडेट को, अमन को मौका देना चाहूंगा। अमन सामने दिख गए तो मैंने इनको अनम्यूट कर दिया। अमन, आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। यस यस अमन, अमन बोल रहा आप हूँ सर। आपके भी इंटरनेट में थोड़ा एक सा फैमिली अकाउंटिंग क्या है और आवाज यू में आर थोड़ा नॉट सा ऑडिबल इशू आ रहा नाउ। है। यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल, आई गेस। इंटर आप मोबाइल से तो नहीं ज्वाइन किया आपने? चलिए, सो हार्दी, आपको वापस मैं एक हेलो मौका दिया जाता है, आप भी अपने आप को बोल सकते हैं। जिनकी आवाज, गुड सर, गुड इवनिंग सर। इवनिंग हार्दी जी, बताइए, आप बताइए आपके क्या क्वेश्चन। ओके सर, मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स है। राइट नाउ वर्किंग विद वन ऑफ सीपीए फर्म जो ओके बड़ौदा बड़ौदा में है, गुजरात में। जी, एंड आई एम स्टार्टिंग विथ यू फॉर द ईए। एंड सर, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे अब्रॉड जाना है फॉर द पर्पस ऑफ द जॉब। तो सर, उसके लिए कैसे कर सकते हैं और मुझे और क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए अलोंग विद विच दिस कंट्री और कोर्स? टारगेटिंग, विच कंट्री और टारगेटिंग? यूएस, कनाडा। कनाडा और यूएसए? डेफिनेटली, देखिए सबसे पहले तो एक अगर किसी को यह मिसकंसेप्शन है कि ईए करके कोई आपको वीजा इमिग्रेशन पे हेल्प मिलती, नहीं, वीजा इमिग्रेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन कनाडा और यूएसए में डेफिनेटली इनरोल्ड एजेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारी पास्ट अलुमनाइज हैं, जैस्मिन कौर जो पहले हमारे साथ एसोसिएटेड भी थी एज ए टीचिंग फैकल्टी, तो इनरोल्ड एजेंट की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है कनाडा में भी बहुत ज्यादा है और यूएस। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है, कनाडा का मैं स्पेसिफिकली बात करूं क्योंकि कनाडा में बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, तो आपको कनाडा और यूएस में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और देखिए, आप ऑलरेडी बड़ौदा में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास यूएस टैक्सेशन या यूएस अकाउंटिंग का वर्क एक्सपीरियंस तो आ गया है। जी जैसे सर, ही आपके पास ईए का लाइसेंस आएगा, आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करना है कि थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना। मैं सभी को ये कहूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे इंप्रूवमेंट लेकर आइए थोड़ा सा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर ईए जर्नी, और कोशिश कीजिए कि जितना आप प्रैक्टिकली चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। इसीलिए हम लोग आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी रही प्लेसमेंट से रिलेटेड, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट वंस यू बिकम ए ईए, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू असिस्ट फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑल्सो, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कनेक्शन इन द यूएसए ऑल्सो एंड द कैनेडा। तो हम आपको इसमें प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी आपका सबसे प्राइम टारगेट क्या होना चाहिए? फॉर पासिंग ऑफ इनरोल्ड एजेंट एग्जाम। अगर आप इसके ऊपर स्टिक हैं, जॉब आपको बहुत मिलेंगी, जॉब की कोई कमी नहीं है यूएस में और कैनेडा में स्पेसिफिकली ईए। चलिए, और किसी कैंडिडेट को भी, एनीबडी वॉन्ट्स टू कुछ इस पे, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, या तो सुब्रनील और अवेश, अवेश आपकी तो अभी एग्जाम है, आई गेस मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। यस आवेश, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। सर असल में बेंगलोर का एग्जाम का मुझे मेल आया कि मेरी एग्जाम कैंसिल हुई है और मेरा रिफंड भी आ गया है। अच्छा, एग्जाम कैंसिल हो गई, वो होता प्रॉब्लम हुई है। है। बहुत सारे कैंडिडेट कई बार अपनी एग्जाम बुक करते हैं, कुछ सेंटर पे इश्यूज आ जाते हैं, तो वो हो जी, जाए। वैसे कब थी आपकी एग्जाम? आपने मॉक मेरा टेस्ट भी वही दिया था। था?
मॉक टेस्ट में तो आपका अच्छा 12 अगस्त, अच्छा 5-7 दिन पहले आपका वो हो गया। चलो कोई बात नहीं, वापिस से ट्राई करके देखो, 2-4 दिन बाद वापिस शायद मिल जाए, हैदराबाद में ट्राई कर सकते हो। नहीं सर अभी कोई स्लॉट ही नहीं मिल रहा, वो पहले जैसा स्लॉट सिस्टम अभी बहुत ही वीक हो गया है। थोड़ा सा स्लॉट अभी 15 अगस्त के बाद वापस से हो जाएगा, बिकॉज देखिए इंडिया में बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, सीपीए भी बहुत सारे पढ़ते, तो सेंटर प्रोमेट्रिक सेंटर वही होते हैं। बाकी अभी इस प्रिपरेशन कैसी है, मतलब अभी आपने मॉक टेस्ट दिए दोनों, कितना स्कोर आया आपका मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो अभी क्या 1 तारीख को मैसेज आया और मॉक टेस्ट देना था, तो फिर मैंने सोचा कि जब एग्जाम बुक हो तभी, अब दो तो अच्छा है। अच्छा तो अभी आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है? जी नहीं, पहले दिया था असल में, तो लगभग फरवरी में दिया था मैंने, जब एग्जाम का स्लॉट कोशिश कर रहा था तब, तब आई थिंक 65 के अराउंड आया था मेरा, तो मतलब प्रिपरेशन तो मेरी अभी, पूरी थी। अभी प्रिपरेशन पूरी है, बस एग्जाम देना है। एग्जाम देना है बस, यही है। चलो आपको अभी मिल जाएगा सेंटर अगस्त में, मैं होपफुल हूँ अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद मेरी बात हुई थी प्रोमेट्रिक सेंटर्स पे, तो बोले सर स्टार्ट होने वाले। चलिए और किसी के कोई क्वेश्चंस हो? आमिर अली, आमिर अली आपने हैंड रेस किया है, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। अगर कोई आप देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो आप सबके काम आए, जो वासु से आप पूछना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हैं, रिलेवेंट टू कोई स्टडी हो, जॉब से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछिए आप। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी एक सीपीए फॉर्म में काम कर रहा हूँ अब कोलकाता से। अच्छा सीपीए फॉर्म में काम कर रहे हैं आप, सीपीए की सीए? जी सर, सीपीए सर। ओके सीपीए फॉर्म में काम कर रहे हैं जी सर, ये फॉर्म ऑलरेडी टेक्सास स्टेट में स्टे करते हैं और कोलकाता। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आपको वो निकालना पड़ेगा, जब तक मैं दूसरे किसी कैंडिडेट को मौका दूंगा। सक्षम मित्तल काफी रेगुलर रहते हैं, काफी डाउट भी पूछते हैं मुझे, थोड़ा सा अपने ऐसे स्टूडेंट को मैं पहचान लेता हूँ जो लाइव क्लास में रेगुलर आते हैं, मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे डाउट पूछते हैं। सक्षम पूछिए आपके क्या डाउट्स हैं, आप काफी एक्टिव रहते हैं हमारी लाइव क्लास में। जी सर, थैंक यू सर, आई एम ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। यस गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल ये भी है कि मेरी उम्र अभी 26 साल हो गई है, तो मैंने 26 साल है, 26 पूरी जी की 65 साल है, 70 साल है, वो देश अपने आप को 26 साल नहीं, मेरा एक्चुअल में इशू ये है कि मैंने 2022 में अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की थी, अब जॉब मिलेगी कि नहीं, या 2 साल का करियर गैप है, तो सारी चीजें थोड़ा सा परेशान ज्यादा करती है। देखिए आपने बोला जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सामने आपके सामने बैठे हैं वासु जिनका प्लेसमेंट हुआ है, जॉब तो आपको भरपूर मिलेगी, बट आपको देखिए सबसे पहले ईए पास करना, इस बात की मैं आपको ओपन वीडियो पे, देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 101% इनरोल्ड एजेंट करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, जॉब की कोई कमी नहीं है। आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए कि हम ईए कैसे पास करें, हो सकता है जॉब 1 महीना डिले मिल जाए, पर मिलना श्योर है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली विल हेल्प यू फॉर दैट। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है वो बैंक में कैशियर थे, वो उनकी सैलरी थी 27,000 और वो हिंदी मीडियम थे। अब जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा बैकग्राउंड, हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव किया, बहुत ज्यादा तो अच्छी उनकी इंग्लिश नहीं हो पाई, बट स्टिल नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा वो ना हो जाए, लेकिन आज वो गुजरात में काम कर रहे 7.5 लाख के पैकेज पे, जस्ट 1 मंथ बैक। और मैंने ना आप उनका YouTube पे मैंने पोस्ट भी डाला है, आप जाके आप हमारे YouTube चैनल पे चेक करना, उनका पैकेज लगा 7.5 लाख का गुजरात में, और गुजरात में बहुत ज्यादा सीपीए फॉर्म्स ओपन हो चुकी हैं, तो गुजरात, उसके बाद मैं दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करूं, बेंगलोर में बात करूं, हैदराबाद में बात करूं, यहां पर जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और वर्क फ्रॉम होम तो है ही, तो अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गुजरात में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बेंगलोर में मिल सकती है, जितनी भी मेट्रो सिटीज है लाइक मुंबई है या दिल्ली है, हैदराबाद है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई ऐसी कमी यहां पर नहीं है। चलिए और किसी स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम? सुब्रोनील, हाँ जी सुब्रोनील जी, आपसे डेफिनेटली बात कर लेते हैं। जी बताइए, कोलकाता से कैसे हैं, कोलकाता में सब बढ़िया? आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बड़े प्रिय स्टूडेंट आप मेरे, बहुत डाउट पूछते हैं आप भी लाइव क्लास में, अच्छा लगता है वैसे मुझे। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जी सर, सर इनफैक्ट वासु आल्सो नो, मीन वी अपीयर्ड फॉर अ इंटरव्यू कपल ऑफ डेज अगो,
सो वहां पे क्या पूछते हैं कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस कुछ 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 ज्यादा है, जैसे मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, मगर दैट नॉट इनटू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, दैट इज इनटू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो जी इस सिलसिले में हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो लोग प्रेफर नहीं करते. सो नहीं, उस केस में ऐसा देखिए, ऐसा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है शीतल, वो बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने थ्रू आउट द ईयर जीएसटी में काम किया, जीएसटी में, लेकिन आज वो एक कनेडियन कंपनी के लिए यूएस टैक्सेशन और क्विक बुक पे काम कर रही हैं। अब वो बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट उन्होंने पूरा जो अपनी जर्नी थी वो अकाउंटिंग और जीएसटी में काम करी, बट नाउ आज वो काम कर रही हैं। तो ऐसा देखिए, एक एक्सपीरियंस को बेस बेस बनाकर हम सारे एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हाँ, ये हो सकता है थोड़ा पैकेज स्टार्टिंग में कम मिल जाए, लेकिन अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ। हाँ और इनफैक्ट इनफैक्ट मैं पैकेज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्योंकि अभी आप ईए नहीं बने हैं ना, वंस यू बिकम ईए, अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। आप मुझे बताइए, आज अगर किसी के पास वो डिग्री नहीं है और ना एक्सपीरियंस है, देखो जॉब दो बेसिस पे लगती है, इधर यू हैव एक्सपीरियंस और इधर यू हैव डेजिग्नेशन। अब अगर आप उस दोनों ही डेजिग्नेशन को नहीं फुलफिल करते तो हाउ कैन पीपल विल हायर यू। तो वंस अगर आप ईए बन जाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सोनाली सॉरी खन्ना टू जी, इंटरप्ट यू यस सर. जो मेरे कंपनी का डायरेक्टर्स है वो मतलब मेरी हायरिंग के बाद दे अगेन स्टार्टेड फॉर हायरिंग ये. तो मेरे को कुछ, क्योंकि मेरे को भी रेफरेंस आते हैं, तो मैंने कुछ रेफरेंस आगे भेजे, तो मेरे को डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मेरे डायरेक्टर ने बोला, वी वांट टू कंप्लीट ईए, इफ यू नो समवन यू कैन रेफर. तो डेफिनेटली ईए अगर, या तो आप पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आपका ईए नहीं है, और अगर आप ईए हैं तो वेल एंड गुड. डेफिनेटली, इधर यू हैव द यूएस टैक्सेशन नॉलेज और यू हैव अ डिग्री। अगर आपके पास अभी दोनों ही नहीं है तो हाउ समवन विल हायर यू? केवल यस सर. और नॉलेज, देखिए नॉलेज आप बोलने से नहीं होता ना, कि आपने चलो थोड़ा पढ़ लिया 1040 टेंथ। आप जैसे मैं अंकित भाटिया का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो ईए भी नहीं है, बाई प्रोफेशन वो एडवोकेट है, आज उसका पीडब्ल्यूसी में प्लेसमेंट हुआ है। तो ये बात है। चलिए सोनाली खन्ना जी, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। जी सोनाली पूछिए। गुड इवनिंग सर. सर एक्चुअली आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्वालिफाइड लॉन्ग बैक, बट मेरा टैक्सेशन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. मेरा ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट इंडस्ट्री में है. तो ईए के बाद मतलब एक्चुअली आई वांट टू अपग्रेड, बिकॉज मेरा बहुत पुराना बैच का पास आउट है. सो बेटर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए मैं आई वांट टू परस्यू. और टैक्सेशन में मैंने कभी कोई जॉब या प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया, तो थोड़ा सा आप देखिए, वो आपके पास है ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है, मगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, नॉट इंडिया भी बहुत, अब तो अब्रॉड में भी बहुत सारे एमआरए साइन हो चुके हैं आईसीए की। तो देखिए आपके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और सीए के ऊपर हर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ट्रस्ट होता है कि ही और शी कैन मैनेज द टीम ऑल्सो। उनको ट्रेंड बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लेवल होता है, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए आप अगर अभी स्टडी भी कर रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता होगा ड्यूरिंग दी टेकिंग ऑफ द लेक्चर ऑल्सो। यस सर, लेक्चर्स होते बट काफी चीजें जैसे यूएस टैक्सेशन रिलेट कर पाती हूँ मैं, आई कुड इजिली रिलेट विद, बट काफी डिफरेंट है. तो मतलब बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये है कि मतलब अभी मैंने अपने प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट. मैंने अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में एनरोल कराया था, तो आई एम प्लानिंग टू गिव पार्ट 3 फर्स्ट जैसे बताया था. तो उसमें अभी मैंने प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने हैं. फिर मुझे वो भी पूछना था, जो मॉक टेस्ट है और जो ग्रैंड फिनाले है, इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रैंड जो फिनाले को वो पहले ओल्डर वर्जन था, उसकी जगह मॉक टेस्ट आ गया है। तो वो जब आप, अच्छा तो देखिए सोनाली आपके पास मेरा ईमेल आईडी होगा, जब भी आपको पूरी ओके प्रिपरेशन हो जाए आप मुझे मेल कीजिए, आई विल डू ए वन ओके जूम मीटिंग विद यू। मैं हर स्टूडेंट के ओके साथ तो ये बोलता हूँ कि जब भी वो एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले उनके साथ एक जूम सेशन एटलीस्ट 15 डेज 20 डेज बिफोर, या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाए तो वो हम करेंगे और आपके एक मॉक टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। अगर आप उसमें पास होते हैं, और डेफिनेटली बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं अश्योर करता हूँ। श्योर सर. श्योर. तो और सर रही एक रही प्लेसमेंट की बात, डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। जी बताइए सोनाली। वन लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली जो जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स हाँ, जो होते इसमें हैं. इंटरनेशनल कोर्सेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि इसमें ना
देखिए जब आप पेपर भी देखे आते हैं तो पेपर बाहर आता ही नहीं। अब जैसे वासु ने एग्जाम दिया, उन्होंने सबमिट किया, तुरंत रिजल्ट आ गया, देर इज नो पेपर। तो इसमें पास्ट एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, होता तो सर ही नहीं। आपके वो आपके जो बहुत सारे जो हर चैप्टर पे इतने सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट है, तो आई एम श्योर उसमें से ही क्वेश्चंस उसी में आते से होंगे क्वेश्चन, कुछ उसी में से आएंगे, उसी में से क्वेश्चन। जी। आप कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो कि पास पेपर नहीं होते, थोड़ा सा डर लगता है, कैसे इस फोबिया को दूर करें? सर ये फोबिया है सर, वो बहुत खतरनाक चीज है, ये मेरे साथ भी होता था। अब ऐसे मैं समझता हूँ जब आप क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना सामने, तो हम पहले ही घबरा जाते हैं। अब मेरे से सब रिलेट कर रहे होंगे जो मॉक टेस्ट देते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं हाँ ठीक है हम पढ़ते हैं और सोचते हैं आज का ये, बड़े क्वेश्चन पर डर जाते हैं। और एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है सर वैसे, बट मैं क्या करता था, बड़े क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ता था, तो उससे मेरे को बड़ी हेल्प होती थी कि पहले एक सेंटेंस पढ़ा उसको समझा, दूसरा पढ़ा, क्योंकि थोड़ा यूएस का सर इंग्लिश भी थोड़ा अलग है हाँ, थोड़ी सी इफ यू यूएस कंपेयर की विद। इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है। और देखिए, आपको हेल्प करने के लिए हम एक लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आप सोचिए, हम आपको बेसिक फंडामेंटल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब तो मैं आपको ओटीपी भी लाइव क्लास में कराता हूँ। जैसे अभी हमने रिसेंटली हमारा लास्ट ओटीपी सेशन लिया था ग्रॉस इनकम के ऊपर, हमने उसमें क्वेश्चन किए। अभी कमिंग जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, उसमें हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन और जो हमने अभी पढ़ा कम्युनिटी प्रॉपर्टी, तो क्वेश्चंस हम आपको कर दें और उसकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। चलिए, और दिशा दास भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। आप क्वेश्चन ऐसे पूछिए जिससे स्टूडेंट को थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सके। दिशा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। उसके बाद पीयूष, दिशा, दीपक, यस हेलो दिशा, सर, हेलो दिशा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ना मतलब जो मेन एग्जाम है वहां पे ना मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब वो मॉक टेस्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट डाले, मेन एग्जाम में देखिए, एक टीचर जो होता है ना, अपने स्टूडेंट को एग्जाम के ऊपर लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। अब अगर मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन डाल दूंगा ना, देखिए उस मॉक टेस्ट को मैंने डिजाइन किया बैठकर, अगर मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन डाल दूंगा तो आपके क्वेश्चन सारे सही होना शुरू हो जाएंगे, तो आप सम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो अगर आपका मेन एग्जाम में स्कोर क्या 30% तो नहीं आ रहा है, दिशा कम नहीं है, सर, तो मेरा 67% आया है। अगर 67 आ रहा है, आप मुझे बताओ कितना सिली मिस्टेक्स के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब मैंने एक्चुअली जब प्रैक्टिस एग्जाम लिया था उसमें मुझे 97% आया था, तो नाइनटी मैं ना सेवन थोड़ा कम हाँ यस तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होगी, तो ठीक है मैं कर लूंगी, पर जब वो क्वेश्चंस है तो मुझे लगा नहीं, थोड़ी सी तो है, अभी तो आपको लाइव क्लास में सब कुछ समझ तो आ रहा है, अभी हाँ ज्यादा हाँ होगा। सर सब समझ आया। अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 ही हुई है। यूनिट 1 जो कि हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की यूनिट है, स्टेटस ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो उसमें आपका क्या स्कोर था वैसे? हाँ, मैंने जो 40 आवर्स का जो था उसमें वो मुझे फोर्टी फास्ट, आवर्स का मैंने एक मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें आपका क्या हाँ मॉक स्कोर? यस, मुझे सेवेंटी वहां पे 72% आया था पहली बार में। टू परसेंट तो उसमें आपके क्वेश्चन जो थे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े से मैंने एडवांस डाले थे सेक्शन 1, 2, 3, 1 के एंड ऑल। तो इतने मिस्टेक्स के कारण हुए, कुछ तो सिली मिस्टेक्स भी की होंगी आपने। हाँ कुछ एक्चुअली सर मैं मुझे जो लगा था मैंने ना वो क्लिक करने के बाद फिर मुझे लगा ये नहीं हो सकता, फिर मैंने जाके फिर से गलती कर दी, देखिए, वहां अब पे मेरे मार्क्स बहुत कम होंगे। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि देखिए, कई बार हम है ना अपने ऊपर डाउट करते हैं कि यार ये नहीं होता, इसको क्लिक करने के बाद रॉन्ग को जाके क्लिक करते हैं। सर मैंने ऐसे 6 to 7% ऐसे रॉन्ग किया है, जाके मैंने फिर से कर दी। एग्जाम में आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं कि एक मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको एक बात शेयर करूंगा, जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ें तो चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ध्यान रखें कि यार क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल बात तो हो सकती है, बट इतना ओवर कॉन्शियस भी नहीं हो जाना कि किसी में टेक्निकल बात नहीं है उसमें भी आप ज्यादा सोचने लगे। वासु, थोड़ा सा आप इसके ऊपर मुझे बताएं। ना थोड़ा सा और एक भी प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, सिर्फ मैं ग्रेजुएशन मैंने अभी क्लियर की मैंने, तो मुझे थोड़ी सी है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल आएंगे, मैं क्रैक बहुत कर अच्छा क्वेश्चन पाऊंगा कि आपने नहीं। पूछा। आप देखिए, वासु आपको इसमें हेल्प करेंगे। वासु, जैसे आप भी ग्रेजुएट हैं और दिशा भी बिल्कुल ग्रेजुएट हैं, आप भी फ्रेश ग्रेजुएट, आपने डीयू से, दिल्ली से पढ़े हुए हैं, आप इंटरव्यू को जी क्रैक सर, करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने रियल लाइफ में फेस किया हुआ है। किस प्रकार के क्वेश्चन सर आएंगे और एक कैंडिडेट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? जी सर सर क्वेश्चन से ज्यादा वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, मैंने 3-4 इंटरव्यूज दिए हैं सर टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आप अगर आप उनको दिखाओगे ना कि मैं कमिटेड हूँ, मुझे काम करना है, मुझे काम सीखना है, कि
मेरे को आप एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं काम को सीखूंगा और आपको रिजल्ट ला के दूंगा, तो दे विल डेफिनेटली हायर यू। जब आप थोड़े वीक पड़ जाते हैं ना कहीं पे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ सर, बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस मेरे को, मैं यहीं पे बता देता हूँ सर, डिप्रिसिएशन के कुछ एंट्रीज पूछी थी, ठीक है, और अकाउंटिंग का प्रीपेड एक्सपेंसेस वाले ये सब क्वेश्चन जो बेसिक अकाउंटिंग है सर, रिलेवेंट। फिर दे कम टू यूएस टैक्स, मेरे को एनुअल के थोड़े क्वेश्चंस पूछे सर, एप्लीकेशन ऑफ एनुअल। अभी मुझे जो याद आ पा रहा है, एक एनुअल के, हाँ, और टैक्स रेट पूछा सर, कॉरपोरेशन का हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है, फिर लोएस्ट टैक्स रेट क्या है, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज डिडक्शन। अभी तो सर मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे। अगर आपने ये पढ़ा है, ये क्लियर किया है, तो यूएस टैक्स के क्वेश्चन तो आप इंटरव्यू में आराम से निकाल दोगे। एक थोड़ा मैं बेसिक भी अकाउंटिंग पे यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए, जैसे वासु ने एक बहुत अच्छी बात करी, हाउ कीन यू आर टू गेट द वर्क, हाउ कीन यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जैसे हम भी हमारी कंपनी में राइट हायर करते हैं, जब मेरे सामने कोई कैंडिडेट बैठा होता है ना, तो मैं ये नहीं देखता कि उसके उसको क्या आता है, क्या बन सकता है मेरे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को बिग फोर में भी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो एक दो तीन बातें मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि जितने भी फॉर्म होते हैं लाइक 1040, उसके शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं लाइक W2 फॉर्म, W4 फॉर्म, 1099, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन की डेट जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, जैसे एस्टिमेटेड टैक्स की क्या डेट होती है, रिटर्न फाइलिंग की क्या डेट्स होती है, अगर आप इसकी आज से प्रिपेरेशन करके इंटरव्यू को आप अभी से देने स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी कहूं, जरूरी नहीं है कि आपको ईए बन के ही जॉब मिलेगी। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं, विदाउट क्लियरिंग ईए आप यूएस टैक्सेशन की प्रोफाइल में अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हो, इफ यू आर ए ग्रेजुएट फर्स्ट, पहली चीज। दूसरी, वाह आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और अगर आप यूएस टैक्सेशन के फॉर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप उस जॉब जेडी को भी ट्राई कर लेते हैं। एक कैंडिडेट था, मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो फ्रेशर था लेकिन उसको एक्सपीरियंस प्रोफाइल पे भी जॉब मिल गई। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफाइल में सम टाइम कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। आप किसी को अगर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यूएस टैक्सेशन, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या एचआर उस प्रोफाइल को फिल नहीं करेगा क्या? आप मुझे बताइए। जैसे अगर आज मुझे मेरी कंपनी में एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिल रहा, तो क्या मैं एक ऐसे पर्सन को कि जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, जो विलिंग टू वर्क है, जो टेक्निकली साउंड है, एकेडमिकली साउंड है, मैं क्या उसको नहीं हायर करूंगा? डेफिनेटली हायर करूंगा। तो आपको वाइल परसुइंग ईए, एक तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपग्रेड कर लेना चाहिए। मैं सभी को बार बार बोलता हूं कि आप अपनी लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहे, जो भी आप सीखते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली सीखा है, आपने सीखा है ग्रॉस इनकम में ऑल द इनकम आर टैक्सेबल एक्सेप्ट स्पेसिफाइड द आईआरसी कोड, ये आपने सीखा है डे वन पे मुझसे सीखा है। तो सर, आप इनके ऊपर थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी अपनी प्रोफाइल पे लिख सकते हैं। देखिए, आप देखना समझ, आप एक काम कीजिए, जितने भी इनरोल्ड एजेंट बने हुए हैं उनकी प्रोफाइल पे जाकर उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे वासु ये हैं तो इनको हर रोज कनेक्शन आते हैं, आप उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। आप यूएस टैक्सेशन के आर्टिकल्स को पढ़िए, आप अप्लाई करिए और देखिए कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अभी ईए आप बने नहीं है ना, अभी बहुत सारे लोग ईए कर रहे हैं, आप ईए बने बिना क्यों नहीं अप्लाई करते? ज्यादा से ज्यादा आप रिजेक्ट होंगे, बट एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे थे उसने। आप खुद अपने आप को चेक करके देखिए कि क्या बिना ईए बने आपको जॉब की ऑफर आती है कि नहीं। 100% आएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। वासु, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं सर, डेफिनेटली सर, अगर नॉलेज है यूएस टैक्सेशन में तो डेफिनेटली सर ऑफर आने का चांस है। मैं कभी कभी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने विद माय स्टडीज क्यों अप्लाई नहीं करा, मैं वेट कर रहा था। बट अगर मैं कर लेता तो डेफिनेटली सर ऑफर्स आते हैं सर, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एंड और ऑफर्स आते देखिए, हैं। एक बात आप सभी को यह भी ध्यान देना चाहिए कि सम टाइम हम है ना पैकेज के पीछे भागते, अर्निंग नहीं, लर्निंग के पीछे अगर आप जाएंगे ना, अगर आपको एक मिशन बनाना चाहिए, मैं सभी को बोल रहा हूं, आज आप इस वेबिनार से एक लेसन लेके जाइए कि आपको ये कसम खा लेना कि सर हम कोशिश करेंगे कि 1065 और 1120 में जॉब को अचीव करें। अगर आपने 1120 और 1065 में आपको एक बार मौका मिल गया, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। किसी सीपीए फर्म में आपको अगर अपॉर्चुनिटी, अगर आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात में बहुत सारी सीपीए फर्म्स हैं, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को पहले अपग्रेड कीजिए, अपने रिज्यूम को थोड़ा प्रोफेशनली ड्राफ्ट कीजिए, अपने स्किल सेट में यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड
स्किल को मेंशन कीजिए और आप अप्लाई कीजिए और इंटरव्यूज को फेस कीजिए, और अगर आपको 1065 और 11 10 20 में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला। 40 लाख के पैकेज मैंने देखे, 30-30 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिज्यू आज हमारे पास पड़े कि जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ईएमए उनके 40 लाख के पैकेज के ऑफर पड़े हुए, बट दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ 1065 और 1120। तो 1065 और 1120 आपको सीखना चाहिए। सर कोलकाता में जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या? कोलकाता में डेफिनेटली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कोलकाता में तो काफी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम पे सर, लिंक्डइन पे काफी है। नियति को भी हम अनम्यूट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वेबिनार स्टूडेंट के लिए है, तो आप नियति पूछिए आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं इंटर सीएस हूं और मेरा थोड़ा करियर गैप आ गया है। Okay. मैंने बहुत सालों से जॉब नहीं की है और समहाउ मैंने अपना स्टडी भी डिसकंटिन्यू कर दिया था। Okay. मुझे थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है, कंपनी लॉ एंड एवरीथिंग, बट आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट दिस टैक्सेशन, स्पेशली यूएस टैक्सेशन। तो आपके क्वेश्चंस क्या हैं? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा स्टडी प्लान के लिए, मैं पूछ रही हूँ कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई स्टडी, कि मैं किस तरह से आप स्टार्ट करूं। लाइव क्लास में आते हैं, आपने लाइव क्लास को ज्वाइन किया है कि नहीं? अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुई, 2 यूनिट ही उसमें हुई हैं। हाँ सर, लास्ट वीक ही मैंने स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा बहुत मैं समझ पा रही हूँ, अपने आप को इसके साथ रिलेट कर पा रही हूँ, बट समहाउ कभी मैं ये नहीं समझ पाती कि ये पेयर के लिए है मतलब, या फिर क्या जा रहा है, मुझे नहीं कभी समझ में आता, कभी कभी ऐसे थोड़े कंफ्यूजन होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हमारे बेसिक फंडामेंटल लेक्चर्स को देखा है, हमने आपको अभी 40 आर में से 14 आर के बेसिक फंडामेंटल लेक्चर को, हैव यू वॉच दीज 14 आर लेक्चर्स? नहीं सर, आई थिंक मुझे एक्सेस नहीं मिला है। ठीक है, तो एक्सेस आप सबसे पहले देखिए, मैंने एक ना स्टडी प्लान का एक प्रॉपर वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, आप उस वीडियोस को प्रॉपर देखिए जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि सबसे पहले मैं सभी जनरल बच्चों के लिए यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग द मेन करिकुलम आपको कुछ बेसिक लेक्चर डेफिनेटली हमारे वॉच करना चाहिए। अगर आप देखिए जैसे हमारी बेसिक क्लासेस में 14 घंटे के लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको देखिए, उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं छोटी छोटी चीजों को उसमें कवर करता हूँ, जैसे टेक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने आने वाले समय में एक लेक्चर में आपको ये तक बताया है लाइबिलिटी रिलीफ वर्सेस लाइबिलिटी अज्यूम, छोटी छोटे कॉन्सेप्ट लाइक अगर हम बात करें स्टेटस में, हम बात करें कि रिटर्न फाइलिंग में मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली होता है, या आप बात करें हेड ऑफ द हाउस होटल, तो आपको सबसे पहले क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि स्टार्टिंग में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, यूएस टैक्सेशन इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, इसीलिए बेसिक क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। वासु, थोड़ा सा आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो न्यू, जब आपने ईए को ज्वाइन किया था आपके पास भी कोई यूएस टैक्सेशन का एक्सपीरियंस, तो कैसे अगर एक बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करें, थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में कहना चाहूं, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, आपको सारी चीजें पता ही है, और आप तो लाइव कभी आते ही नहीं थे, सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस देखते थे आप, तो मैंने कभी लाइव देखा ही नहीं। जी सर, जी सर, मैं काफी रिलेट कर रहा हूँ इनके साथ, ये पेयर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इनका रिलेशन और ऑल दैट कंफ्यूजन होता है सर इसमें। मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि पहले इनकम का सेक्शन है, आपको किस पर्सपेक्टिव से सोचना है वो, उसमें से थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना नजरिया बदलना है। ये सर मेरे को बेसिक लेक्चर्स में तो आपने यहाँ एक टॉपिक है फाइकर टैक्स का, उसमें तो बिल्कुल जी, उसमें तो बिल्कुल आपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या फर्क है और किस तरह से कंप्लाइंसेस होते हैं फाइकर टैक्स के, कौन किसकी डिडक्शन लेता है, एम्प्लॉयर डिडक्शन लेता है एम्प्लॉय नहीं लेता, तो वो वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपको मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नियति स्पेसिफिकली वासु ने अब एकेपीआई इसको ज्वाइन कर लिया है, आगे कमिंग संडे वासु आप नियति के साथ में एक जूम मीटिंग करेंगे लाइव, नियति मैं आपको बोल रहा हूँ, वासु आपके साथ में एक जूम मीटिंग करेंगे, मैं भी उस जूम मीटिंग में हूंगा, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल बेसिक में स्ट्रगल करते हैं लाइक जैसे उन्होंने बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे
उस सेशन को मैं भी ज्वाइन करूंगा, वासु भी ज्वाइन करेंगे। वासु ने एज ए फैकल्टी भी हमारे आप लोगों को गाइडेंस देना, समटाइम पीटीएन नंबर कैसे अप्लाई होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वासु प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम करते हैं। तो वासु हमें सैटरडे संडे असिस्ट करेंगे, वासु आपके साथ में एक जूम मीटिंग करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे नियति, आप वासु से भी पूछिए, मुझसे भी पूछिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के। अगर आपको लिटरली ये भी नहीं समझ में आता होगा कि सर डिडक्शन वर्ड क्या होता है, एग्जम्पशन वर्ड क्या होता है, हम तो इस लेवल पे भी सिखाने के लिए रेडी हैं। वी आर वेरी मच रेडी, वी आर वेरी कीन कि हम आपको ये भी बताएं कि सर डिसअलाउड एग्जम्पशन क्रेडिट, और इवन आप देखेंगे मेरी बेसिक क्लास में ये सारी चीजों को मैं कवर कर चुका हूं। मैंने आपको क्रेडिट्स के बारे में बताया, मैंने आपको डिडक्शंस के बारे में बताया, इवन एक सिंपल सा वर्ड एक्सक्लूड और इंक्लूड्स, उसके ऊपर मैंने एक घंटे की क्लासेस ली हुई है। स्टिल अगर आप नियति कहीं स्ट्रगल करेंगे, कमिंग संडे को वासु आपके साथ में जुड़ेंगे, नॉट ओनली विद यू, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अगर छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट में भी, तो उनको भी हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। बिकॉज हमारा रिजल्ट 98% इसीलिए है क्योंकि हम एक स्टूडेंट को उसके लेवल पर जाकर टीच करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप मैं आपको वासु का ईमेल आईडी भी दूंगा, वासु संडे का जो सेशन रखेंगे इसमें आप वो सारी चीजों को भी कवर करना, बेसिक लेवल की, जैसे जो एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो डेफिनेटली उसको हम कवर करेंगे। तो नियति आपके ये पॉइंट अच्छा था, इससे अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा और वी आर रेडी टू हेल्प यू। आपको बस रेडी रहना हार्डवर्क। मैं अपने हर स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूँ, हमारे लेक्चर आपको पूरे समझ में आएंगे, हम आपके डाउट्स पूरे सॉल्व करेंगे, हम वो हर चीज करेंगे, बस हम आपके लिए पढ़ नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टडी ऑन योर बिहाफ, अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन डू एवरीथिंग। चलिए और किसी स्टूडेंट को मौका देते हैं, बोकी एसके, एसके मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, शुवकर बैनर्जी आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, दीपक नाग को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। एक एक करके आप क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन रिलेवेंट टू स्टडी हो, मतलब जो जो इस वेबिनार का पर्पस है। जी आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया, एक एक करके आप, शांतनु पांडे को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, यस पीयूष बोल रहा हूँ। यस यस जी बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। ओके। और मुझे एक मतलब पैकेज भी ठीक ठाक है, बट इशू ये है कि उसमें उतना ग्रोथ नहीं होता खूब बताया अभी, क्योंकि एक लिमिट आ चुकी है। तो मुझे करियर चेंज के हिसाब से, एक मैंने यूएस टैक्सेशन अच्छा है और मैंने चूज किया है, बट मुझे थोड़ा डाउट है इसमें कि मतलब फ्यूचर में जैसे पैकेज मुझे और बेटर मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरी फील्ड चेंज कर रहा हूँ, अकाउंटिंग से चेंज करके एक टैक्सेशन में जा रही है, तो उसमें देखिए पैकेज की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास साउंड नॉलेज है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, 6 मंथ 8 मंथ समटाइम, लेकिन वंस यू विल गेट द नॉलेज, एनरोल्ड एजेंट इज द बेस्ट प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग वर्क, बिकॉज ऑफ द कंप्लायंसेस पार्ट और बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी और बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल की। देखिए बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि व्हाट इज यूएस टैक्सेशन, व्हाट इज एनरोल्ड एजेंट। आज सोचिए वासु हैं, एक बीकॉम ग्रेजुएट थे, अगर इनको नहीं पता होता तो आज ये किसी ट्रेडिशनल कोर्स में जाते, जिन्होंने 6 मंथ 7 मंथ में काम करके, 6 to 7 मंथ और 8 मंथ में इस प्रोफेशन को क्लियर करके आज वो जॉब रेडी होकर वो बोल रहे हैं कि सर मेरे से गलती होगी, मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया। तो आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट से रिलेटेड तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं हबीब उल्लाह आईएएस आपसे, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं हबीब, बाकी सबको मैंने विनय को भी अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर, आई एम हबीबुल्ला, आई एम अ स्ट्रेटेजिक लेवल स्टूडेंट ऑफ सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान। ओके, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी यस सर, आपकी मोटिवेशन, आपकी वीडियोस देखता था यूट्यूब में, तो वहां से इंस्पायर होकर फिर मैंने ज्वाइन किया था आपका ईए का। तो सर मेरे टू क्वेश्चन है, एक आपसे क्वेश्चन है, एक वासु से क्वेश्चन है। सर आपसे क्वेश्चन है कि सर जो ईए में हम जितना टैक्सेशन का पढ़ते हैं, तो आया वो जो सीपीए में हम पढ़ते हैं, तो उसका ऑलमोस्ट 100% वो कवर कर देता है सिलेबस। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो सीपीए में टैक्सेशन पढ़ेंगे और ईए में पढ़ेंगे, ईए में टैक्सेशन सीपीए से भी ज्यादा है पहली चीज, लेकिन सीपीए में एक डिफिकल्टी लेवल ये है कि सीपीए में सिमुलेशंस भी होते हैं, बाकी सारा कोर्स जो आप ईए में पढ़ेंगे डिक टू डिक कॉपी होना, जैसे इंडिविजुअल का रिटर्न, कॉर्पोरेशन का रिटर्न, पार्टनरशिप का रिटर्न,
उसके बाद जो एनुअल के कंप्लायंसेस हैं, कैपिटल गेन के कंप्लायंस, सारे के सारे सीपी के करिकुलम में भी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया मैंने आपके। ठीक हो गई सर। सर वासु से मेरा क्वेश्चन था कि रिमोट जॉब में हम फिर कितना अरसा ऑलमोस्ट फिजिकल जॉब में, अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे वो क्या कहते हैं कि कितना अरसा हम फिजिकल आपने जॉब रिमोट जॉब बोला तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीलेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, देखिए fiverr.com upwork.com पे आप एक बार अपनी प्रोफाइल बनाइए और आप क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन ऑप्टेन कीजिए, और अगर आपके पास ईए लाइसेंस होगा, मतलब देखिए हम तो टीचर हैं, आई एम ए टीचर, बट एवरी मंथ क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, हम थोड़ा सा उसमें प्रमोशन भी करते हैं, हमारे पास यूएस से बहुत सारी वर्क की अपॉर्चुनिटीज बिना डिमांड किए आ जाती है। इवन मैं अपने ऑफिस में आज की डेट में 20 क्लाइंट समथिंग हैंडल कर रहा हूँ, और वासु भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उन्होंने भी कुछ रिटर्न्स वगैरह फाइल किए हैं। तो फ्रीलैंसिंग के लिए थोड़ा सा वासु आप बताइए इसमें। एक्चुअली सर मैं इस बारे में थोड़ा वो जानना चाह रहा था कि इतने क्वालिटी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें कि कितना अरसे में कैपेबल हो जाता है, लाइक 6 मंथ की प्रैक्टिस के बाद इतना कैपेबल हो जाए कि क्वालिटी सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकें, ये बस थोड़ा सा वो इस बारे में मुझे डाउट था। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर भी आपके आंसर दूंगा। यस वासु, वासु वेयर आर यू? यस So I think it's about the returns you are getting while working. अभी अगर आपको अच्छे returns मिल रहे हैं करने को तो आपका कॉन्फिडेंस सही बिल्डअप हो सकता है। मैं बोलूंगा हाँ, 1 साल के अंदर अंदर आप इतने रेडी हो जाएंगे कि आप आराम से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर बैठ के। मैंने भी अपवर्क पे अकाउंट बना दिया, मैं भी देखते रहता हूँ, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी जा नहीं रहा हूँ उसमें, क्योंकि मैं अभी क्यूकबुक ऑफिस में सीख रहा हूँ और अच्छे से एक बार क्यूकबुक का भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैं क्यूकबुक पे काम कर सकता हूँ, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर फ्रीलांसिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सभी को ये कहना चाहूंगा कि क्विक बुक आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए, इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। इंदौर शहर का नाम आपने सुना होगा किसी ने? इंदौर सिटी का नाम, मध्य प्रदेश के, मैं इंदौर से ही हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ वैसे। इंदौर सिटी में भी सीपीए फॉर्म्स ओपन होने लगी है, क्विक बुक के बेसिस पे आउटसोर्सिंग बहुत हो रही है। तो डेफिनेटली आप अभी से देखिए, हम जो आपको क्विक बुक की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप हमारे लेक्चर्स लेते हैं तो आप देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव, हम आपको केवल क्विक बुक की लर्निंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम आपको उसके सर्टिफिकेशन को पास करने के लिए हमने आपको अराउंड 170 क्वेश्चन दिए, उसको पढ़ के आप पास भी हो जाएंगे, जिससे आपके पास प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन आ जाएगा। और सेकंड थिंग, आपको बहुत अच्छे लेवल की आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, कई बच्चे हमसे क्विक बुक की ट्रेनिंग लेते हैं और दे आर डूइंग देयर वर्क, तो आपको बहुत अच्छा आउटसोर्सिंग काम मिल सकता है। अभी हम आपको ये बता रहे कि आने वाले समय में हम यूके और ऑस्ट्रेलिया का भी एक सॉफ्टवेयर था जीरो, मतलब मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जितना क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को आप सीखेंगे, आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट का शायद ड्रीम होता होगा 1 लाख रुपीज कमाना, ये आपको छोटा लगने लगेगा जब आपको अगर क्विक बुक जीरो और ये का सही नॉलेज हो गया, तो आपके अंडर में 10 इंप्लॉई काम कर सकते हैं, इस बात को मैं अच्छे से कह सकता हूं। हम एक आने वाले समय में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे कि हाउ टू एस्टेब्लिश प्रैक्टिस फॉर द यूएस टैक्सेशन, हाउ टू गेट द आउटसोर्सिंग वर्क, उसमें मैं आपके डिटेल इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, चलिए एक दो क्वेश्चन और। सर यस यस शुभकर बनर्जी, ऑडिबल है सर? यस यस ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी भी आवाज आ रही है विनय जी। यस सर, मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए, आप विनय पहले आप बोल लीजिए, फिर शुभकर को टाइम दे देंगे। Yeah, sir, my question is related to exam. Sorry, sir. Thank you for giving me opportunity. I'm from Bangalore. My USCMA exam de chuka ho, part 1 clear ho chuka hai. I'm waiting for part 2 ka result. Okay. I'm just, abhi mera ye concern hai ki I joined, kal hi join kiya maine. Okay, aapne kal join kiya hai. Kal join kiya. Mera question ye tha ki abhi मैं टारगेट कभी तक कर सकता हूँ पार्ट वन के लिए, और उसका लेक्चर का शेड्यूल क्या है और कब तक खत्म होगा, एंड अगर इफ आई एम टारगेटिंग फॉर द पार्ट वन एग्जाम अगर 2-3 महीना में तो कब तक कर सकता हूँ? देखिए हमारे, आप चाहें तो प्रीवियस बैच के रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं, वो रेडीली अवेलेबल है, 14 यूनिट्स हैं। लाइव बैच में हमारी 2 यूनिट्स ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। अगर हम जो बैच को जो फिनिश करेंगे अगस्त सेप्टेम्बर में फिनिश कर देंगे, अगर आप लाइव बैच के थ्रू जाते हैं तो अगस्त सितंबर में लाइव बैच को पढ़िए, अक्टूबर नवंबर इट विल बी द करेक्ट टाइम, मतलब नवंबर विल बी द करेक्ट टाइम जिसमें आप अपनी ईए के पार्ट वन को पास करेंगे नवंबर।
आप हमारी डे वन से सारे रिकॉर्डेड क्लासेस को ले सकते हैं, मैंने ही पढ़ाई है उसी क्लासेस, क्योंकि मैं हर बार ये कि हर 6 मंथ में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो अभी रिसेंट बैच भी स्टार्ट किया है, तो आप पिछली रिकॉर्डिंग लेके उसको देख सकते हैं। और मैं एक स्टडी प्लान की मीटिंग्स भी आप लोगों के साथ में करूंगा फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, जिसमें कैसे पढ़ना है कैसे करना है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, वो एक मीटिंग्स होगी, कल होगी टुमारो, तो आप टुमारो केवल उसमें हम कैसे पढ़ना है और कैसे नवंबर में एग्जाम को पास करना, उसकी भी हम एक मीटिंग करने वाले हैं नवंबर, टुमारो टुमारो विल डू द सेम थिंग, जिसमें आपको LMS में से कैसे रिकॉर्डिंग देखना है, कैसे क्वेश्चन करना है, और उसका एक स्टडी प्लान की रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे उस पर डाल चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो उसको इफ यू विश। ओके ओके थैंक यू सर, आस्क नेक्स्ट टाइम। सर मैं आज से, यस पूछिए शुभकर जी। जी सर, सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं? बांग्ला से आप वहां से लग रहे हैं मुझे, कलकत्ता से जी। सर मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल की आसनसोल से। जी जी पूछिए सर। मैं 2021 में सीए क्वालिफाई किया, उसके बाद मैं कोलकाता का ही सीए फर्म में जॉब करता था जी। तो इंटरनल ऑडिट में दिए थे मुझे, तो मेरा इच्छा था टैक्सेशन में काम करने की, जी तो मैं लास्ट लास्ट ईयर में आसाम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड की इंटरनल ऑडिट कर रहा था। जी उसके बाद मुझे सर आसनसोल के नियरेस्ट एरिया में एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जी और मैं आया और ज्वाइन किया, बट यहाँ सर काम कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। मुझे पहले तो बोला कि आप फाइनेंस मैनेजर है, ले लिया। अभी सर क्या हुआ कि 3 महीना जॉब हो गया कंटिन्यू, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। तो मैंने उनका फॉर्मेट देखा तो अपॉइंटमेंट लेटर तो नाम की है, लेकिन जी वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं ना, कंपनी के पॉलिसीज में साइन करवा ले रहे हैं और उसमें 2 ईयर्स का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं। मतलब 2 साल मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, 2 साल के बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड, और उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए तो मैं सिमिलर इंडस्ट्री में जॉब भी नहीं कर सकता। जी और इस बीच से मुझे आपकी एनरोलमेंट एजेंट कोर्सेज के बारे में पता चला, तो जी इसीलिए मैं ये कोर्स भी ज्वाइन किया। तो मैं ये जॉब जो है मैं रिजाइन करूंगा, तो जी मेरा मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं अभी अगर ये रिजाइन कर देता हूँ और सिर्फ ईए की कोर्स को पास करने में फोकस करता हूँ, जी इन बिटवीन टाइम में मैं कहीं और ऑडिट फॉर्म हो या कोई और कंपनी हो जॉब में नहीं जाता हूँ, तो ये मेरी रिज्यूम में तो एक गैप आ जाएगी। तो जी ये गैप के वजह से क्या मुझे टैक्सेशन में ये क्वालिफाई करने के बाद जॉब में प्रॉब्लम आएगी ज्वाइनिंग में? देखिए, मैंने जॉब के लिए स्पेसिफिकली बताया कि वंस यू विल कंप्लीट द ईए, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं, और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको काफी अच्छी प्रोफाइल मिलेगी, जो मैं आपको अभी शीतल जी का हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने, तो वो सेम क्वेश्चन मैं आपसे अगेन कहूंगा कि डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है, और इटसेल्फ कोलकाता में भी मिल सकती है, और समटाइम देखिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की हैदराबाद बैंगलोर, अगर आपका लोकेशन स्पेसिफिक चॉइस नहीं है तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू फॉर दैट सर ऑल्सो, लोकेशन स्पेसिफिक कोई चॉइस नहीं है फिर आप बेफिक्र रहिए, आपको फोकस करना चाहिए ईए पास करने पे, वी आर विद यू, विल सर, सपोर्ट यू। मैं यहाँ मैं रिजाइन करता हूँ मैं सर, जी नहीं, क्योंकि मैं ये कहूँ कि आप रिजाइन ये कीजिए, आपको फोकस करना है कि ईए तो भी क्लियर जी करना है और उसको भी करना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप रिजाइन कर दीजिए तो ये मेरा नहीं एक लुकआउट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली विल हेल्प फॉर दैट। जी सर, एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक लग रही है यहाँ पे काफी। चलिए, अब मैं क्योंकि आई गेस दिशा, अच्छा एक हीरेन का भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सर सा सर 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 हेलो यस यस जी बोलिए, क्योंकि सबको थोड़ा मौका देना पड़ता है क्योंकि मीटिंग्स के वो हैं, तो मैं हेलो हाँ अगर किसी को, हाँ इन बिटवीन अगर सर मेरा चार्जर देना, वहां से मेरा चार्जर वहां पे लगा दो। सर सर हम बोल सकते हैं जी बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, हाँ जी बोलिए। जी सर, मैंने अभी लास्ट मंथ ही आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, 2-3 डाउट्स हैं मेरे सर, पूछ सकते सर? ये बताइए सर, क्या पार्ट 1 और पार्ट 3 को क्या एक साथ लेके चल सकते हैं? देखिए पार्ट 1 और पार्ट 3 को एक साथ लेके पढ़ाई तो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या नॉन वर्किंग हैं, अगर आप नहीं सर, वर्किंग कुछ नहीं करते हैं अभी, पूरा अभी कुछ नहीं कर सकते तो दिन पढ़ाई डेफिनेटली आप पार्ट पूरा वन दिन को पढ़ाई पढ़िए और पार्ट 3 को भी पढ़िए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और सर एक चीज मुझे पूछना था सर, लखनऊ में क्या CPA फर्म है कोई? अब ये तो मुझे दिखवाना पड़ेगा, ये बात डेफिनेटली आपने मेरे नॉलेज में डाली है, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए लखनऊ में, बट दिल्ली अच्छा में ज्यादा आपको सर, मिलेंगे, आई गेस दिल्ली आपके लिए पास पड़ेगा, देखो बेटा इसको। हाँ हाँ सर जी पास पड़ेगा सर। एक चीज बताइए सर, एक चीज मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा था कि पार्ट 3 को अगर वो केवल देना चाहे, वो वर्किंग है, वो एम्प्लॉय है कंपनी में, वो कह रहा था पार्ट 3 केवल अगर हम पहले दें तो क्या
चांसेस हैं कि किसी कंपनी में जो है हो जाए जनरली उसका पार्ट प्लेसमेंट? पार्ट वन में आपको ज्यादा मौका मिलता है, बिकॉज आपको फिर थोड़ा सा इनकम, ग्रॉस इनकम और इन सारी चीजों का नॉलेज मिल जाता है, तो डेट्स वाई। तो अच्छा, स्टार्ट, अगर और आपको सर जॉब इमीजिएटली जी चाहिए और, तो आप पार्ट वन के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, पार्ट थ्री में ठीक है सर, चांसेस। ठीक चलिए, है सर, मैं सबको मौका देना चाहूंगा, बाकी मैं प्राइवेट बात कर लूंगा अगर किसी की है तो डेफिनेटली, क्योंकि समय वासु को भी फिर दूसरी है। चलिए, एस के हो गए, रचित से मैंने बात कर ली है, और किसी कैंडिडेट को जो कि बात करना चाहते हो? हेलो सर, हेलो, जी यस 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 जी हाँ सर, मैं ये बोल रहा था सर कि अभी 18 अगस्त को मेरे एग्जाम है ईए पार्ट थ्री की सर, बोल ओके, 18 अगस्त की रहा हूँ। आपकी, जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ सर, आपको सेंटर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, गुड़गांव में मिल गया सेंटर। कब कब अप्लाई कर दिया था आपने? सर 1 महीने पहले आपके टेलीग्राम चैनल पे सुबह मैसेज आया था ना, तभी मैंने अप्लाई किया था अच्छा, जी कल इमीडिएटली। आपसे शायद बात भी हुई थी, आई गेस मेरी टेलीफोन पे आपसे बात हुई, मैंने आपको बोला था मॉक टेस्ट देना, आप वही हैं, दीपिका मैडम ने आपकी बात कराई थी शायद। नहीं सर, मेरी बात अच्छा नहीं हुई थी, पर जी मैं ये कह रहा था सर कि 18 अगस्त को एग्जाम है, एग्जाम जी के बाद आपका एक वीडियो देखा था ना मैंने, आप उसमें कह रहे थे कि अगर आपको तीनों फॉर्म शेड्यूल्स और सब बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो आप जॉब की अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, डेफिनेटली मैंने कहा है, और देखिए अभी तो सबसे पहले अपने को जॉब से ज्यादा 18 अगस्त की फोकस करना है नहीं अभी, सर, 18 अगस्त की वो एटीन तो फोकस है अगस्त ही सर, 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी दस अच्छा दिन पहले ही पढ़ाई शुरू की है सर, अच्छा और दस 4 यूनिट दिन कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ सो देखिए, बिफोर गिविंग द एग्जाम मॉक टेस्ट डेफिनेटली देखी जाएगी। अब 3 यूनिट बची है, तो मेरा मानना है कि 3 यूनिट को आप 2-3 दिन में फिनिश कर लेंगे, तो उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर उस मॉक टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपका, अभी हाँ सर, यूनिट पे परफॉर्मेंस क्या आती है आपकी? सर मेन एग्जाम नहीं दी है मैंने, प्रैक्टिस एग्जाम में 80 to 90% के बीच में आ जाता एट्टी है टू सर। नाइन्टी आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपका 80 to 90 आ रहा है तो डेफिनेटली आप 18 अगस्त को ग्रीन मार्कशीट शेयर करेंगे मुझे। थैंक यू सर, दो जॉब के बारे में देखिए, सभी का क्वेश्चन बार बार से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैं जॉब के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी बहुत बार इसमें बोल चुका हूं। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को एंटरटेन कर लिया है, तो अब कमिंग टुमारो ही हम लोग एक नए, अब थोड़ा सा मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, 9:30 हो रही है। सभी स्टूडेंट्स से मैं, अगर किसी को मुझसे पर्सनली भी बात करना हो, आप अपने काउंसलिंग टीम से डेफिनेटली मेरे साथ अपना कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। कौशल्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपसे डेफिनेटली बाद में डिस्कस कर लूंगा। बैनर्जी जी, मैं आपसे डेफिनेटली आई कॉल यू, आप, मैं आपसे बात करूंगा। तो अब हमारी एक मीटिंग और होगी आप लोगों के साथ में, जिसमें हर हफ्ते 10 डेज में वासु भी आपको रिगार्डिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं, या पीटीएन हैं, या और किसी भी प्रकार के आपको डाउट है, लाइसेंसिंग एंड ऑल, तो वासु भी आपको गाइड करेंगे, हम भी आपको गाइड करेंगे, और ये हमारी ऑनगोइंग मीटिंग्स इस तरीके की होती रहेंगी। जो न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट हैं उनके लिए कल मैं आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम देना, कैसे आपको बेसिक्स करना, उसमें वासु भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संडे जुड़ेंगे वो या सैटरडे जुड़ेंगे, लेकिन कल मैं आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो सेशन काफी लंबा रहा, जिसमें मैंने आपसे बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत कुछ। इस प्रकार के सेशन हम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराएंगे, और उसमें कोशिश करेंगे कि अलग अलग हमारे पास्ट अलुमनाइज को, जो ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहे हैं, जो हमारे अलुमनाइज या इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपके साथ में इंटरेक्टिव करने का मौका मिलेगा। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इसके पहले भी हमारे सेशन होते थे, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कल हम आपके साथ में स्पेसिफिकली मिलेंगे उन स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है। थैंक यू ऑल, इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें आपने अपने थॉट शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आने वाले समय में आफ्टर 15 अगस्त में एक और वेबिनार कंडक्ट करूंगा, जिसमें हमारे दूसरे अलुमनाइज होंगे, जो कोई लॉ फॉर्म में काम कर रहे हैं, या सीपीए फॉर्म में काम कर रहे हैं, या बिग फोर में काम कर रहे हैं, उनको भी हम कनेक्ट करेंगे और आपको असिस्ट करेंगे। तो मेरी आपसे यही कहना है कि आप कोशिश कीजिए कि आपका पूरा फोकस नॉलेज गेन करने पर होना चाहिए, एग्जाम पास करने के लिए, बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट होती हैं। हर वो चीज अवेलेबल है अगर आपके पास साउंड नॉलेज है, इफ यू हैव, देखिए आपके पास एक डेजिग्नेशन आ रहा है, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं, आपके पास एक लाइसेंस आ रहा है
कि आप यूएस टैक्स के लाइसेंस होल्डर बनने जा रहे हैं, तो आपको अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट रखना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो थैंक यू वासु, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन। वासु, एंड में कुछ कंक्लूड करना चाहते हो आप, कुछ स्टूडेंट को मैसेज देना स्टडी के रिगार्डिंग एंड ऑल? कुछ नहीं सर, यही बोलूंगा कि एक टाइम था मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफी बार डीमोटिवेट होता है इंसान बीच में, क्योंकि रोज सर मोटिवेशन ही रह जाती, पर रोज जो चीज साथ रहेगी वो है डिसिप्लिन, कि आपको रोज उतने घंटे देने हैं और उतने घंटे पढ़ना है, और बाकी सर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। जी, तो थैंक यू फॉर, इट्स गुड नोट पे हमें आज की इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।